सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल फैलाने में सरकार अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा परिसर में ये कैमरा लगाया गया है। ये कल ही कैमरा लगाया गया है और किसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर है, दिल्ली विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की 70 तस्वीरें लगाई गई हैं और जिस तस्वीर की सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया गया है वो तांत्या टोपे टीपू सुल्तान के लिए है। विपक्ष इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की फिराक में है। उनका ये कहना है कि टीपू सुल्तान हिंदू धर्म विरोधी थे, बड़ी संख्या में उन्होंने नरसंहार किया है, लिहाजा स्वतंत्रता सेनानियों के बीच उनकी तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन जो उनका जीवन काल के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो पढ़ लेते हैं कि 1857 में तांत्या ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। तांत्या टोपे 1857 के सर्वोच्च योद्धा थे। नाना साहब की पराजय के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्हें गोरिल्ला युद्ध का बेताज बादशाह कहा जाता है। अंग्रेजी सेना में इनके नाम से ही घबराहट फैल जाती थी। कहते हैं कि उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया था, लेकिन ऐसे सांचे मिलते हैं कि तांत्या के स्थान पर नारायण राव भागवत को फांसी दी गई, तांत्या को बचा लिया गया। यानी कि उनका महिमामंडन करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे जो तस्वीरें लगी हुई हैं उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई हैं, भगत सिंह हैं। तो विपक्ष का ये मुद्दा, चूंकि कर्नाटक में भी ये एक विवादित विषय बना था कि उनका जन्मदिवस क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर भी बीजेपी फिराक में थी कि इस तरह से उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए, तो कम से कम इस तस्वीर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई व्यक्ति इसे हटाने की कोशिश ना करें, इसलिए यहाँ पर परिसर में सीसीटीवी कैमरा तांत्या टोपे की तस्वीर की प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है। कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कलरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।